वेलकम बैक। छोटा दोस्तों गाइस, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आउटलाइन ड्रॉ किया था, और आज की इस वीडियो में इस ड्रॉइंग के ऊपर मैं कलरिंग करने वाला हूँ। और जिसको भी नहीं पता, ये रिफरेंस फोटो एआई की मदद से क्रिएटेड है, तो ये रियल फोटो नहीं है और किसी का ड्रॉइंग भी नहीं है। तो मैं इस ड्रॉइंग को रियल करने की ट्राई करूंगा और एक ह्यूमन टच देने वाला हूँ इस ड्रॉइंग के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता एआई कभी भी एक आर्टिस्ट की टक्कर दे सकता है। क्योंकि आप लोग रिफरेंस फोटो में देख सकते हो ये फेस कितना स्मूथ है इसमें, और पगड़ी और ज्वेलरी जो भी है इसमें वो सब कुछ कितना फेक लग रहा है। तो वो सब कुछ मैं इस ड्रॉइंग में फिक्स करने वाला हूँ, और एक आर्टिस्टिक ह्यूमन टच में इस ड्रॉइंग के ऊपर देने वाला हूँ, और भी बहुत कुछ चेंजेस मैं इस ड्रॉइंग में करने वाला हूँ। तो चलो अभी ड्रॉइंग को शुरू करते हैं। तो इस ड्रॉइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर कैमल की ये आर्टिस्ट ब्रशेस को यूज करने वाला हूँ, और ये कैमल की HD एक्रेलिक पेंट का यूज करने वाला हूँ। कैमल की आर्टिस्ट HD इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैमल की तरफ से न्यूली लॉन्च हुआ है और ये हर एक कलर में अवेलेबल है। बाकी आप लोगों को पता होगा कैमलिन की नॉर्मल आर्टिस्ट एक्रेलिक पेंट कुछ ऐसा दिखता है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, कैमलिन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दिया हूं, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना, वहां से आप लोग कैमलिन की हर एक प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। तो चलो अभी इसी कलर्स को यूज करके और ये ब्रशेस को यूज करके इस ड्रॉइंग को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कैनवास बोर्ड के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग कर रहा हूं, कम से कम कलर और ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करके, और इसको अच्छी तरीके से अप्लाई करने के बाद और ये फुल ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर अभी ड्राइंग की बेस लेयर को चढ़ाना है। और इस लेयर में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहां पर जो भी कलर से उस कलर से ड्राइंग के ऊपर अप्लाई करते जाना है। और अभी डिटेलिंग करने की और डिफरेंस फोटो जैसा है वैसा ही करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट पहले में ही बोला आप जहां पर जो भी कलर से वो कलर आप लोगों को वहां पर अप्लाई करते जाना है। लाइक रिफरेंस फोटो की लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो लाइट गिर रहे, तो वहां पर मैं लाइट कलर का यूज कर रहा हूँ, लाइक येलो और व्हाइट कलर का यूज कर रहा हूँ। और पगड़ी की मिडिल पोजिशन पर मैं ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूँ, और जो भी डार्क पार्ट से यानी राइट साइड में मैं डीप रेड कलर का यूज कर रहा हूँ। और क्योंकि ये पगड़ी है तो ब्रास की जो भी स्ट्रोक्स है उसी से ही नेचुरली आप लोगों को पगड़ी की टेक्सचर आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी ये कैमलिन की HD एक्रेलिक पेंट का यूज करने की फायदा ये है कि आप लोगों को ये कलर हर एक कलर में अवेलेबल मिल जाएगी, तो कलर क्रिएट करने की कोई झंझट नहीं है इसमें। और फर्स्ट लेयर में थोड़ा बहुत जो भी ब्लेंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी वो आप लोग फिंगर की मदद से भी लो प्रेशर में ब्लेंड कर सकते हो। तो बाकी मैं अभी किस तरीके से कर रहा हूं आप लोग ध्यान से देखो। ओके, तो नेक्स्ट अभी फेस के ऊपर बेस लेयर दे रहा हूं, तो यहाँ पर आप लोगों को स्किन की कलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो क्रिएट करने के लिए ज्यादा व्हाइट और थोड़ा थोड़ा करके ब्राउन रेड और डीप येलो कलर को मिक्स करके ये कलर आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। इस तरीके से क्रिएट करना है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और वो कलर क्रिएट करने के बाद अभी आप लोगों को फेस के ऊपर लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज में काम करना है। लाइक यहाँ पर आप लोग फेस में देख सकते हो यहाँ पर लाइट वैल्यूज है, तो यहाँ पर आप लोग को लाइट कलर यूज करना है, और इस साइड में देखो मेरे फेस में इस साइड में डार्क कलर है, तो यहाँ पर आप लोगों को डार्क कलर यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा व्हाइट और थोड़ा बहुत येलो ज्यादा यूज करना है, तो यहाँ पर इस साइड में देखो डार्क कलर से, तो यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा ब्राउन और थोड़ा बहुत रेड ब्लैक कलर का यूज करना है। बाकी डिफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग आप लोगों को शिवाजी महाराज जी की फेस के ऊपर जहां पर जो भी कलर से वो आप लोगों को अप्लाई करते जाना है, और जहां पर ब्लेंडिंग करने की टाइम आएगा वहां पर आप लोग फिंगर यूज कर सकते हो, नहीं तो एक सूखा हुआ ब्रश यूज कर सकते हो। और एकदम से जो भी डार्क एरियाज है लाइक आईब्रोज में बियर्ड से उस टाइप के एरियाज में आप लोग को डार्क ब्राउन कलर का यूज करना है, और अगर आप लोग के पास वो कलर नहीं है तो आप लोग ब्राउन कलर के साथ ब्लैक कलर को मिक्स करके वो कलर क्रिएट कर सकते हो।
तो नेक्स्ट अभी शॉट में भी सेम उसी तरीके से पगड़ी में जिस तरीके से पहले मैं कलरिंग किया था उसी तरीके से आप लोगों को कलरिंग करता जाना है। बाकी जो भी ज्वेलरी के पार्ट्स है उस टाइप के एरियाज में आप लोगों को डीप ब्राउन और डीप येलो कलर को मिक्स करके वो एरियाज को कवर करना है। बाकी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग अभी ध्यान से देखो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट के ऊपर बेस लेयर देना कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी बैकग्राउंड में मराठा एम्पायर की फ्लैग को बना रहा हूं। तो फ्लैग में बेस लेयर को देने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऑरेंज कलर से फुल फ्लैग में कवर कर लेना है, बाकी जो भी बैकग्राउंड है उसमें ब्लैक कलर से कवर करना है। और बेस लेयर देने के बाद फ्लैग के ऊपर जो भी डार्क वैल्यूज है उसको देने के लिए मैं डीप रेड कलर का यूज कर रहा हूँ और जो भी लाइट पार्ट्स है उसको देने के लिए मैं येलो कलर का यूज कर रहा हूँ। ओके तो फुल ड्राइंग में जैसे कि आप लोग देख सकते हो बेस लेयर देना कंप्लीट हो गई है। अभी नेक्स्ट सेकंड लेयर में कलर करेक्शन करना है फुल ड्राइंग में और उसके ऊपर डिटेलिंग ऐड करना है। लाइक सबसे पहले पगड़ी के ऊपर डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके थोड़ा बहुत जो भी मुझे येलो टोन चाहिए वो मैं पहले दे रहा हूँ इस तरीके से। और ये सेकंड लेयर में फुल ड्राइंग में ही जहां पर जो भी कलर आप लोग यूज करोगे वो कलर आप लोग को पहले तो क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद पहले आप लोग को इस तरीके से यूज करना है। देन आप लोगों को ना ज्यादा पानी रहे ना ज्यादा कलर्स रहे इस तरीके से आप लोगों को ब्रश को यूज करना है एंड देन आप लोगों को ब्रश की मदद से स्ट्रोक देना है। ट्राई करना है ये टेक्निक से आप लोग सेकंड लेयर में फुल ड्राइंग में ही आप लोग कलर करेक्शन बहुत ही इजीली तरीके से कर पाओगे और देखना मैं फुल ड्राइंग में यही टेक्निक का यूज किया हूँ। बाकी जो भी पगड़ी में डार्क वैल्यूज है उसके लिए मैं ब्राउन ब्लैक और डीप रेड कलर का यूज किया हूँ। ओके तो नेक्स्ट अभी पगड़ी के ऊपर हाईलाइट देने के लिए मैं व्हाइट और उसके साथ थोड़ा येलो कलर को मिक्स करके वो चीज में कर रहा हूँ और यही कलर को यूज करके मैं ज्वेलरी पार्ट्स में भी अप्लाई करने वाला हूँ। और लास्ट में जो भी ज्वेलरी है उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए मैं व्हाइट कलर को यूज करके डॉट 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 करके दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट अभी फेस में भी सेम उसी टेक्निक का यूज करना है जिस तरीके से मैं पहले पगड़ी के ऊपर सेकंड लेयर में किया था। बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ब्रश ना ज्यादा वेट होना चाहिए ना ज्यादा ड्राई होना चाहिए और वो चीज कैसे मेंटेन करना है वो मैं पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ। बाकी मैं अभी किस तरीके से कर रहा हूँ आप लोग अभी ध्यान से नोटिस करो। गाइस मैं यहाँ पर पहले बेस लेयर में जो कलर क्रिएट किया था सेम उसी कलर का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। बस अभी मैं उसके साथ थोड़ा और मीडियम येलो कलर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा और येलो टोन चाहिए था। और यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए एक सूखा हुआ ब्रश का यूज करना। Thank you.
ओके देन अभी ज्वेलरी पार्ट में यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट फोटो जैसा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पर खुद से भी क्रिएट कर सकते हो ज्वेलरी, मैं यहाँ पर खुद से ही क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी मुझे जो डिफरेंट फोटो में जो है वो मुझे बिल्कुल भी रियल नहीं लगा, इसलिए मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ ये। नेक्स्ट हम इसके ऊपर 3D वैल्यू को देने के लिए हमें डार्क पार्ट्स में सेम उसी टेक्निक को ही अप्लाई करके ब्रश की स्ट्रोक देना है ब्लैक कलर को यूज करके। देन जहां पर जो भी कलर की ज्वेलरी है उस कलर की लाइट वैल्यूज को आप लोगों को अप्लाई करना है ज्वेलरी की लाइट वैल्यूज को देने के लिए। लाइक अगर ब्राउन कलर की ज्वेलरी है तो उसमें लाइट वैल्यूज में आप लोगों को येलो कलर का यूज करना है, डीप येलो कलर का यूज करना है वहां पर। और लास्ट में अभी इसके ऊपर एकदम से हाईलाइट करने के लिए छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स देना है, बस इतना करने से आप लोगों की ज्वेलरी पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगी। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम उसी टेक्निक को ही अप्लाई करके मैं ज्वेलरी पार्ट्स में कलरिंग कर रहा हूँ। आप लोग एक बार फिर से देखो, आप लोगों को सब कुछ एकदम से क्लियर हो जाएगी इस बार। और अभी लास्ट में बियर्ड्स की एरिया में एक स्मॉल साइज की यानी 0 साइज की या फिर 1 साइज की ब्रश को यूज करके और ब्लैक कलर को यूज करके बियर्ड्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है आप लोगों को। नेक्स्ट अभी लाइट पार्ट्स में यही सेम चीज ब्राउन कलर से करना है क्योंकि हर बियर्ड ब्लैक कलर की नहीं होता, तो रियलिस्टिक करने के लिए ये आप लोगों को करना ही है। और लास्ट में भी हाईलाइट करने के लिए और कुछ कुछ व्हाइट बियर्ड्स को देने के लिए वो चीज व्हाइट कलर से आप लोगों को करना है। तो आई होप गाइस आप लोग को ये ड्राइंग पसंद आई है। और अभी आप लोग देख सकते हो AI वर्सेस एक आर्टिस्ट की ड्राइंग। ड्राइंग में स्किन की टेक्सचर, ज्वेलरी पार्ट्स, उसके बाद पगड़ी में और साथ में ब्रास की स्ट्रोक्स, उसके बाद आप लोग खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो ड्राइंग के ऊपर। ये सब एक ड्राइंग में ही अच्छा लगता है और AI में वो सब कितना ज्यादा फेक लगता है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी जो भी कैमलिन की आर्ट प्रोडक्ट्स है वो सब आप लोग कैमलिन की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो, वेबसाइट की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो अभी मिलते हैं किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।